आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सातवीं विषय विज्ञान का पाठ 8 पवन तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि पवन तूफान और चक्रवात जो है प्राकृतिक परिघटना है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक परिघटना है, कभी कभी अपना एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं तो बहुत सारी जनहानि और धनहानि हो सकती है। तो आज हम देखते हैं कि ये परिघटनाएं कैसे उत्पन्न होती है और किस प्रकार हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पवन तूफान एवं चक्रवात जो है प्राकृतिक परिघटना है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न होने वाली परिघटना है जो कभी कभी विनाशकारी रूप ले लेती है। इन चक्रवात में तेज पवनों से, ठीक है ना, जब चक्रवात उठते हैं तो पवन जो है, हवाएं जो है वो तेज गति से चलना शुरू हो जाती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है तथा जान और माल दोनों का नुकसान होता है, साथ में कृषि है, परिवहन है, संचार है और विद्युत सप्लाई भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार जो है मानव जीवन जो है पूरी तरीके से एक बार बिखर जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि जैसे 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में एक चक्रवात आया था जिसमें पवन का वेग था 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जिसके अंदर 45,000 पवन जो है वो तहस नहस हो गए थे, बहुत ही ज्यादा जनधन की हानि हुई थी। उसी साल 19 अक्टूबर को, ठीक है, उड़ीसा में एक और चक्रवात था जिसमें पवन का वेग था 260 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और उसमें समुद्र में जो लहरें है वो 9 मीटर ऊंची तक ऊपर उठकर तट से टकरा रही थी। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि हवा का वेग तेज होने से चक्रवात की स्थिति भी भयानक रूप ले लेती है। तो हमने देखा कि जब पवनों की गति बढ़ जाती है या हवा की गति बढ़ जाती है तो वह एक चक्रवात का तूफान ले लेती है। तो चक्रवात को बढ़ने से पहले हम देखते हैं पवन के बारे में, तो गतिशील वायु जो है वो पवन कहलाती है, ठीक है। अब ये जो पवन तेज गति से चलती है तो ये नुकसान किस प्रकार पहुंचाती है, तो जब हवाएं चलती है तो वह अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं पर कुछ दाब डालती है, ठीक है ना। तो क्या वास्तव में पवन दाब डालती है या नहीं डालती है, तो उसी को समझने के लिए हमें क्या काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टीन का डब्बा ले लेते हैं या प्लास्टिक की खाली बोतल ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्टील के डब्बे में कुछ आटा भरा और उसको पानी को गर्म किया, पानी को थोड़ा उबलने देते हैं, उसमें से भाप निकल आता है, उसको गर्म करते हैं। फिर हमने क्या किया कि भाप, जैसे पानी भाप बनना शुरू होता है तो हमने उसके अंदर के गर्म पानी को तो निकाल दिया और उसका ढक्कन कस के बंद कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि भाप, जैसे पानी की भाप बननी शुरू होती है तो हम उस पानी को बाहर निकाल देते हैं और डिब्बे का ढक्कन जो है कस कर बंद कर देते हैं। मतलब कि अब डिब्बे के अंदर केवल क्या रहेगी, गर्म भाप रहेगी, मतलब हवा, गर्म हवा है, ठीक है। तो जल का गर्म किया भाप बने, ठीक है, पानी को बाहर निकाले, डिब्बे के अंदर केवल गर्म भाप है, मतलब वायु है, गर्म वायु है। तो अब वो गर्म वायु क्या करती है कि उस डिब्बे की दीवार पर दाब डालती है, ठीक है, जिसके कारण डिब्बा जो है अपने शेप को बनाए रखता है, अपने आकार को बनाए रखता है। अब हमने क्या किया कि उस डिब्बे को किसी और स्टेशन में ले जाकर थोड़ा दूर रखकर उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है। तो ठंडा पानी डाल के हम देखते हैं कि वो डिब्बा जो है वो पिचक जाता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, वो पिचक जाता है। तो अब वो डिब्बा पिचकता क्यों है, तो इसी को समझते हैं कि जब आपने इसके अंदर से गर्म पानी को बाहर निकाल दिया तो डब्बे के अंदर गर्म वायु बची थी, ठीक है। वो वायु उस डिब्बे की दीवारों पर दाब डाल रही थी जिसके कारण डिब्बे का निश्चित आकार बना हुआ था। अब जैसे ही हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो वो गर्म भाप जो थी वो इसमें बदल गई, ठंडी होगी वापस द्रव में बदल जाती है। ठंडा पानी डाला तो भाप वापस इसमें बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। तो हम देखते हैं गैस जब द्रव में बदलती है तो गैस के कण थोड़े दूर, द्रव के कण थोड़े पास होते हैं, तो फिर जगह क्या होगी, कम होगी, मतलब कि वो
जो वायु थी वो द्रव में बदल गई, तो डिब्बे की दीवारों का दाब, डिब्बे की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही अंदर से वायु का दाब कम हुआ और डिब्बे की आकृति बदल गई और वो पीछे जाता है, तो भाप बनी गई, ठीक है, वो ठंडा पानी आ गया, भाप किसमें बदल गई, पानी में बदल गई, तो दीवार डिब्बे की दीवारों पर दबाव कम हो जाता है और डिब्बा पीछे जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमने कुछ और उदाहरण देखे, तो पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो जिस दिशा से हवा आती है तो वो हवा क्या करती है, पतंग पर दाब डालती है, जिसके कारण वो पतंग ऊपर उड़ती है, ठीक है। नाव का हवा की दिशा में आसानी से चलना, ठीक है, मान लो हवा इस दिशा से आ रही है और हम नाव को ऐसे ले जा रहे हैं तो फिर हमारे लिए नाव चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मान लो कि हम जा रहे उधर गए और हवा का हवा की दिशा भी इसी तरफ है तो फिर नाव आसानी से चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि पीछे से आने वाली हवा जो है वो नाव पर दबाव डालती है तो आगे की तरफ आराम से खींच सकती है। यदि हवा और नाव की दिशा विपरीत है एक दूसरे की तो क्या होगा कि हवा नाव पर इस तरह से दबाव डालेगी तो हमें हवा की विपरीत दिशा में चलने में कठिनाई होती है, ठीक है। और हम देखते हैं वृक्षों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, कुछ बैनर लगे होते हैं या कोई झंडा फहराया हुआ है तो वो दिन भर लहराता रहता है, हिलता डुलता रहता है, तो वो लहराते हैं या फिर वृक्षों की पत्तियां टहनियां हिलती क्यों रहती हैं, तो उसके चारों तरफ की जो हवा है, वायु है, वो उन पर दाब डाल देती है और उसी दाब के कारण वृक्षों की पत्तियां टहनियां बैनर या जो झंडे है वो लहराते रहते हैं। तो ये सब उदाहरण इस क्रियाकलाप से ये पता चल जाए वायु दाब डालती है, ठीक है, और वायु द्वारा लगाए जाने वाले दाब को वायु दाब कहते हैं।